प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक महान शख्सियत से मिलेंगे जिनका 10 साल का बिजनेस में तो एक्सपीरियंस है ही है, साथ ही साथ योग में भी उनकी रुचि है, स्पिरिचुअलिटी में भी उनकी रुचि है। ऐसे महान शख्सियत से आज हम मिलेंगे। नमस्कार प्रवीण जी। प्रवीण जी, ये बताइए कि एक मनुष्य अपना अच्छा जीवन किस तरह से बिता सकता है? ऐसा है, अपने सत्कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा। अच्छे कर्म इंसान को होने चाहिए। अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छे विचार अपने आप अच्छे बन जाए। अच्छे विचार जिस व्यक्ति के होना तो वह कभी जिंदगी में मार नहीं खाता, और अपना जीवन बिताना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि कर्म खोटे तो ईश्वर के भजनदा आने से क्या है। अगर किसी व्यक्ति के कर्म ही खोटे हैं ना, तो उसे अपनी ज़िंदगी बड़ी नीरस लगती है। तो हर व्यक्ति हर पल यही चाहेगा कि भाई मुझे कब मौत आए, कब मौत आए, कब मौत आए। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि कर्म अच्छे करने चाहिए, अपने विचार अच्छे रखने चाहिए, सदव्यवहार होना चाहिए सबके साथ। जीवन जो है ना, बोझ नहीं, जीवन कैसे बीत जाता है कुछ पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप अकाउंटिंग एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आए। तो युवा विद्यार्थियों, आपने सुना एक महान व्यक्ति के महान वचन। धन्यवाद।